नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। तीन कृषि अध्यादेश के खिलाफ किसान आंदोलन के 7 महापूर्व होने पर किसानों ने किया तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन। रायसन नगर तहसील मुख्यालय पर आज के संयुक्त किसान मोर्चा के वाहन पर 3 कृषि अध्यादेश के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर 7 माह पूरे होने पर किसानों ने अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष कालू थोरी के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक 3 अध्यादेश वापस नहीं होंगे तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन को तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में सीटू यूनियन के अध्यक्ष मूलाराम, अरुण पारिक, दलीप सहारन, विनोद बाकर आदि किसान मौजूद रहे। दिल्ली के अंदर 3 कृषि कानून जो है उनको रद्द करवाने की मांग को लेकर 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चे ने 7 महीने किसान आंदोलन को पूरे होने के ऊपर लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के आह्वान के ऊपर आज पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन रैलियां जुलूस किया है और ये चेतावनी दी है मोदी सरकार को कि ये जो 3 कृषि कानून कोरोना काल के अंदर आप लेके आए हो इससे किसानों की ज़मीनें नहीं बचेगी, आप तुरंत प्रभाव से इन कानूनों को वापस लो, नहीं तो किसान अब जो है वो लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। तो इसी आह्वान के साथ पूरे देश के अंदर आज जो किसान है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें व्यापारी मजदूर सारे जो लोग हैं उसके अंदर शामिल है। तो मोदी सरकार को सद्बुद्धि आए और 3 कानून वापस लें और MSP का कानून बनाएं।